हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हमारे एक ऐप यूजर है, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। प्रवेश जी है, वे मोबाइल ऐप पे उन्होंने यूज करते हैं और मेरे मोबाइल को उन्होंने यूज किया हुआ है और उस पर बहुत सारे टॉपिक देखते हैं। उन्हीं की एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम बड़ी जेन्युइन है, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। उनके पास इस तरह का एक डेटा है जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ और भी डेटा है। क्या है, इनके डेटा में एक एक्स्ट्रा ब्लैंक टाइप का यहाँ दिख रहा होगा ना, ब्लैंक टाइप का है। अगर मान इसी की हम देख लें, तो इन्होंने फॉर्मूला लगा कुछ किया है, मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए लेन का फॉर्मूला लगाता हूँ, आप देखेंगे कि लेंथ है, मतलब कि इसमें एक करेक्टर है। एफ टू प्रेस करने पर भी एक करेक्टर का स्पेस हमें दिखता है, बट करेक्टर कैसे रिमूव होगा। जैसे स्पेस है तो आप स्पेस है तो आप यहाँ क्लीन लगा के इसको हटा सकते हैं, या ट्रिम लगा के हटा सकते हैं। लेकिन उससे भी अगर मान लीजिए ट्रिम में यहाँ लगाता हूँ, तो यहाँ अगर मैं लेन लगा के चेक करता हूँ कि क्या जीरो ब्लैंक आ गया है, नहीं, एक स्पेस है इसमें। अब मैं एक स्पेस से मैच करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पेस लिख देता हूँ और दोनों को मैं इक्वल करता हूँ, क्या ए स्पेस और ए स्पेस बराबर है, नहीं, ए स्पेस नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ स्पेस नहीं है, तो क्लीन भी नहीं है, तो कैसे रिमूव होगा। इसको कई तरीके हैं। अगर आपको जस्ट इसमें से वो रिमूव करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट करके, इसको पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके आप उसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, स्कैन मार के बाहर आइए और पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, इस पे पेस्ट कीजिए एंड रिप्लेस विथ ब्लैंक, रिप्लेस ऑल, यहाँ रिप्लेस करिए, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, फॉल्स आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिम लगा के नहीं है, यहाँ पे ये लेन लगा के देख सकते हैं, लेन अब जीरो आ गया होगा इसका। लेकिन मुझे इसको फॉर्मूले से रिमूव करना है, मुझे इसका मतलब कहीं पे रिजल्ट चाहिए जो कि इसके अलावा, क्योंकि इसके साथ मान लीजिए ना कि और भी नंबर है, और भी नंबर है, तो उसको लेके आना है नंबर कैसे लाए। तो सबसे पहले आपको एक जो ब्लैंक है उसको एक बार ऐसे आप कॉपी कर लें, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद किसी अलग सीट पे या किसी अलग पे आप डाल लें उसी को, फिर कोड फॉर्मूले से देखिए इसका कोड क्या है। तो इसका कोड है 160, जी हाँ 160। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट इसको सिलेक्ट किया, और यहां पे हमने कैर फॉर्मूले के अंदर में 160 डाल दिया और बोला ब्लैंक से रिप्लेस कर। अब इसका लेन देख लीजिए, लेन कितना आ रहा है, आ गया 5, बट यहां लेन देखेंगे तो क्या होगा, यहां पे लेन देखेंगे तो 6 होगा। तो इस तरह से इसको रिमूव किया जा सकता है फॉर्मूले से भी एंड नॉर्मल। छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए हम इस तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गूगल प्ले स्टोर पे जाके मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। और ऐसे ऐप की जो लिंक है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, फिर भी आप प्ले स्टोर पे एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग सर्च करेंगे तो वहां पे मेरे ऐप आ जाएगा, या फिर classplusapp.com पे जाके आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। और इसमें आपको चैट्स के जरिए आप डायरेक्टली मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल है उसको देख सकते हैं, या फिर पेड कोर्स को भी ले सकते हैं, या फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप
IPTIndia.com पे जाएं। ओके बाय।